हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिडेक्टर पे दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए उसमें हम आईओटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है डैश इज़ नॉट अ प्रोसेस टूल फॉर टी क्यू एम सिस्टम कौन सा जो हमारे यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा हमारा प्रोसेस टूल नहीं है टी क्यू एम सिस्टम के लिए तो दोस्तों पहले आप लोग ये बताइए कि टी क्यू एम होता क्या है टी क्यू एम हमारा क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टी क्यू एम क्या होता है दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म हमारा क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इन चारों में से कौन सा हमारा प्रोसेस टूल नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर पिलर दैट इज ऑप्शन नंबर सी पिलर इज नॉट अ प्रोसेस टूल्स फॉर टी क्यू एम सिस्टम नेक्स्ट प्रोसेस दैट अप्रोच विथ सिक्स सिग्मा क्वालिटी ओवर दिस शॉर्ट टर्म आर एज्यूम टू प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म डिफेक्ट लेवल्स बिलो डैश डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी डी पी एम ओ तो देखिए क्या पूछा कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लोग सिक्स सिगमा के साथ ऑपरेट करते हैं और उसको एज्यूम किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म डिफो डिफेक्ट लेवल्स प्रोड्यूस करेगा और वो किससे कम रहेगा हमारा डी पी एमओ से कम रहेगा बिलो हाउ मेनी डिफेक्ट्स दोस्तों बिलो थ्री पॉइंट फोर डिफेक्ट पर मिलियन पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट इंस्पेक्शन स्क्रैप एंड रिपेयर आर द एग्जांपल्स ऑफ इंस्पेक्शन स्क्रैप रिपेयर्स किसका एग्जांपल्स है दोस्तों इंटरनल कॉस्ट का किसका इंटरनल कॉस्ट दैट इज ऑप्शन नंबर ए इन सिक्स सिग्मा सिग्मा सिक्स में हम क्या यूज करते हैं दोस्तों सिक्स सिग्मा में हम क्या यूज करते हैं बोथ ब्लैक बेल्ट एंड ग्रीन बेल्ट बोथ ब्लैक बेल्ट एंड ग्रीन बेल्ट आर यूज इन सिक्स सिग्मा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कस्टमर्स आर प्राइमरी कंसर्न विद कस्टमर्स प्राइमरी कंसर्न रहते हैं किसके साथ दोस्तों कस्टमर्स आर प्राइमरी कंसर्न विद कम्युनिकेशन कर्टसीज क्रिटिटिबिलिटी ऑफ द सेल पर्सन दैट इज ऑप्शन नंबर ए कस्टमर्स आर प्राइमरी कंसर्न विद कम्युनिकेशन कर्ज क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेल पर्सन नेक्स्ट अश्योर्ड क्वालिटी इज़ नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है जो हमारा अश्योर क्वालिटी होगा ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कस्टमर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये करेक्ट है नेक्स्ट डैश इज़ अबाउट सप्लाइंग कस्टमर्स विथ वॉट दे वॉन्ट वेन दे वांट इट हमारा क्या ज़रूरी है इनमें से क्या ज़रूरी है कस्टमर्स को सप्लाई करना है ताकि वो उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाए तो हमारा क्या ज़रूरी है जे आई टी दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो हमारा करेक्ट आंसर तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी जे आई टी जे आई टी दोस्तों क्या होता है जे आई टी होता है जस्ट इन टाइम जस्ट इन टाइम मतलब क्या होगा दोस्तों जस्ट इन टाइम एक हमारा ऐसा मैनेजमेंट मेथड है इसमें जो गुड्स होता है तभी रिसीव करते हैं जब उनको सप्लायर्स ज़रूरत होता है तभी सप्लायर से वो लोग ये प्रोडक्ट्स को गुड्स को रिसीव करते हैं तो ये होता है जस्ट इन टाइम मेथड तो जस्ट इन टाइम जो है ये कस्टमर सप्लाइंग चेन है उनको जब चाहिए तब वो चीज़ मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर दी एरियाज दैट विल बी कवर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस कौन सा ऐसा एरिया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस द्वारा कवर अप रहेगा दोस्तों दैट इज प्रोसेस एरिया ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस एरिया आर दी एरियाज दैट विल बी कवर्ड बाय बाई ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर लाइकली टू डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ बेटर क्वालिटी एक्सेप्ट यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया है इसमें से जो ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कॉस्ट जो है आर लाइकली टू डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ बेटर क्वालिटी एक्सेप्ट तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट दैट इज ऑप्शन नंबर सी सारा कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो सकता है एक बेटर क्वालिटी के लिए बट आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो डिक्रीज नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वालिटी इज डिफाइंड बाय द कस्टमर इज़ क्वालिटी जो है कस्टमर कैसे डिफाइन कर देते हैं हमारा क्वालिटी को अ यूज़र बेस्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्वालिटी इज डिफाइंड बाय द कस्टमर इज अ यूजर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी टी क्यू एम स्टैंड्स फॉर टी क्यू एम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों टी क्यू एम का जो हमारा पहला ही क्वेश्चन गया था दोस्तों टी क्यू एम पे जो था ना कि इसमें से कौन सा हमारा टी क्यू एम प्रोसेस नहीं है तो टी क्यू एम का मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बताया था आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि टी क्यू एम का फुल फॉर्म क्या होता है इन चारों में से हमारा टी क्यू एम का फुल फॉर्म क्या होगा इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए नेक्स्ट सर ई डेमिंग हु इज़ कंसिडर टू हैज दी ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन क्वालिटी मैनेजमेंट ई डेमिंग के बाद किसको हमारा माना जाता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट पे उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है किसको माना जाता है दोस्तों जोसेफ एम जोराइन दैट इज ऑप्शन नंबर बी जोसेफ एम जोरान इज़ कंसिडर टू हैज दी ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन क्वालिटी मैनेजमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों डेमिंग फोर स्टेप्स साइकिल इज फॉर इम्प्रूवमेंट इज डेनिम का जो फोर स्टेप्स साइकिल है इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या क्या है दोस्तों डेनिम फोर स्टेप्स साइकिल्स फॉर इम्प्रूवमेंट इज प्लान डू चेक एक्ट पहले प्लान कीजिए फिर डू देन चेक देन एक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर ए इन सिक्स सिग्मा अ डैश इज डिफाइन एज एनी प्रोसेस आउटपुट दैट डज नॉट मीट कस्टमर स्पेसिफिकेशन सिक्स सिग्मा में किस प्रोसेस को हम किस आउटपुट को ऐस, बोलते हैं कि वो कस्टमर स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करेगा सिग्मा में दैट इज डिफेक्ट डिफेक्ट जो हमारा एक ऐसा आउटपुट है जो कि कस्टमर स्पेसिफिकेशन को मीटअप नहीं करेगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल इज़ अ प्रोसीड्यूर टू प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल जो होता है ये कैसा प्रोसीड्यूर होता है दोस्तों ये हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होता है इसमें क्या अगर आप किसी चीज़ को प्लान करेंगे डू करेंगे उसके बाद स्टडी करेंगे उसके बाद उस प्रोसेस को एक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा कंटिन्यूस आपका उस प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा ऑप्शन नंबर बी क्वालिटी प्रैक्टिस मस्ट बी कैरिड आउट क्वालिटी प्रैक्टिसज जो है कब कैरीड आउट होना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट में हमको देखना चाहिए कि पूरे प्रोजेक्ट का जितना भी लाइफ टेन्योर है उसमें मेरा क्वालिटी प्रैक्टिस फुलफिल करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों क्वालिटी प्रैक्टिसज मस्ट बी कैरीड आउट थ्रू आउट दी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट डैश आर चार्ट्स दैट आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉज फॉर पर्टिकुलर क्वालिटी प्रॉब्लम कौन सा हमारा चार्ट है जो कि आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल कॉज फॉर पर्टिकुलर क्वालिटी प्रॉब्लम कॉज एंड इफेक्ट डाइग्राम कॉज एंड इफेक्ट डाइग्राम जो होता है दोस्तों वो एक चार्ट है जो कि आइडेंटिफाई करेगा हमारा पोटेंशियल कॉज किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी प्रॉब्लम में जो हमारा पोटेंशियल कॉज रहेगा उसको आपका आइडेंटिफाई करता है क्वालिटी सर्कल्स वर्क बेस्ट इफ़ एम्प्लॉयज़ आर इनिशियली ट्रेंड इन क्वालिटी सर्कल जो आपका आउटपुट होगा वो बेस्ट रहेगा अगर आपका एम्प्लॉय को इनिशियली ट्रेन करेंगे किस में ग्रुप डायनेमिक में मोटिवेशनल प्रिंसिपल कम्युनिकेशन अगर आप इस सारे चीज़ें में इम्प्लॉयज़ को इनिशियली स्टेज पे ही ट्रेन कर देंगे तो आपका जो आउटपुट रहेगा क्वालिटी सर्कल्स का वो एकदम बेस्ट रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वालिटी ट्रिलॉजी इंक्लूड्स क्वालिटी ट्रिलॉजी में हमारा क्या क्या आता है दोस्तों क्वालिटी ट्रिलॉजी में क्वालिटी ट्रिलॉजी तो क्वालिटी ट्रिलॉजी इंक्लूड्स में हमारा क्या क्या हो जाएगा उसके अंदर आता है हमारा क्वालिटी प्लानिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी कंट्रोल तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी थ्री प्रोडक्शन इशू शुड बी एड्रेस्ड अर्ली प्रोडक्शन जो आपका इशू हो रहा है उसको एड्रेस करना चाहिए कब शुड बी एड्रेस अर्ली ये जो हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है प्रोडक्शन इशू जो होगा उसको एड्रेस कर देना चाहिए उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए पहले ही तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये करेक्ट है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको वेबसाइट का भी हमारा लिंक अवेलेबल रहेगा तो आप वहाँ से हमारे वेबसाइट पे जाके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं थैंक यू